यूपी के शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहां रविवार सुबह पंजाब मेल एक्सप्रेस में अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना बरेली और कटरा स्टेशन के बीच हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन में अचानक आग लगने की अफवाह फैल गई, जिससे घबरा कर यात्री एक कोच से दूसरे कोच लोगों को कुचलते हुए भागने लगे। वह यात्री चलती ट्रेन से भी कूदने लगे। वही अगर पूरे मामले की बात की जाए तो ट्रेन सुबह जब बरेली के बिलपुर स्टेशन पर पहुंची, तब जनरल कोच में भारी भीड़ के चलते किसी से आग बुझाने वाले बटन का स्विच दब गया, जिससे कोच में अफवाह फैल गई कि ट्रेन में आग लग गई है। वही अफवाह फैलने के बाद भगदड़ मच गई। जान बचाने की होड़ में लोग एक दूसरे को कुचलकर दूसरी बोगी में भागने लगे। यहां तक कि 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही ट्रेन से लोग कूदने लगे। हादसे में 20 लोगों के घायल होने की खबर है। 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वही पूरे मामले पर शाहजहांपुर के स्टेशन अधीक्षक PS तोमर का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। हाँ, ये अपनी ट्रेन थी पंजाब मेल 3006 डाउन। ये बिलपुर से निकलने के बाद जो है अचानक ये SLR से तीसरे कोच में जो है फायर स्टिंगर्स रखे रहते, उसमें किसी यात्री का हाथ लग गया और उसे गलती से जो है वो ऑपरेट हो गया। ऑपरेट होने के बाद जो है वो बीच की गैलरी में गिरा, तो उसका जो पाउडर उड़ता है वो दूसरे देख के एकदम से पब्लिक घबरा गई। उन्होंने समझा कि आग लग गई और उसके गिरने से उसमें साथ में जो है उसका अलार्म भी होता है, वो भी ऑपरेट हो गया। तो एकदम से पब्लिक में जो है हड़कंप मचा। एक आदमी ने जो है चैन पुलिंग भी की और लोग एकदम से जो है 6-7 पैसेंजर जो है वो नीचे कूद गए, जिसमें जो है थोड़ा चोट लगी है उनको। और बाकी वहाँ से चलने के बाद यहाँ शाहजहांपुर स्टेशन पे उनको जो है एम्बुलेंस बुलवा के जो है चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। ये हादसा हुआ था बिलपुर और कटरा स्टेशन के मध्य में, यानी बरेली। हाँ, यहाँ कितने बजे ट्रेन पहुँची थी? यहाँ अपने आई है करीब 10:10 पे आई है ट्रेन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।